देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही नुकसान। देखिए कितना हरा भरा सुनहरा एक खंडाला है, और एक खंडाला की खूबसूरती को हमारे टूरिस्टर लोग यहाँ आते हैं और टूरिस्टर लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से एक खंडाला की खूबसूरती को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए हमारे टूरिस्टर हैं, क्या नाम है? जयप्रकाश, प्रयागराज से। जयप्रकाश जी प्रयागराज से हैं, और कुछ बताइए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करना लोग बंद करें। टूरिस्ट लोग से ये निवेदन करेंगे कि आप जैसे अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता रखते हैं, कोई भी चीज़ गंदगी नहीं था, वैसे कहीं भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो कम से कम गंदगी का विशेष ध्यान रखें। कूड़ेदान बने रहते हैं वहाँ पे, आप कूड़ा फेंकिए, इधर उधर मत फेंकिए, और ऐसा प्लास्टिक यूज करिए बोतल जो दोबारा रिसाइकिल यूज हो सके। ऐसा प्लास्टिक यूज मत करिए कि जो जो कभी यूज ना हो, क्योंकि जानवर खाते हैं या फिर यहाँ ज़मीन पे भी रहता है, वो 300 साल तक सड़ता नहीं है, वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैडम आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम सविता गुप्ता है, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लोगों से कि जैसे वो अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, बाहर भी वो स्वच्छ रखें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक है, जो जीव जंतु खाते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जिससे हमारा आगे का भविष्य सुरक्षित होगा और हमारा देश भी सुरक्षित होगा। अब कहाँ से हैं? हम लोग प्रयागराज से हैं। अभी खंडाला आए हैं जी, खंडाला। बहुत बहुत खंडाला के खूबसूरती नहीं बिगड़े और हमारे देश की खूबसूरती नहीं बिगड़े, इस पर आपका, आप दोनों आदमी का संदेश बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।